YouTube पे आप अपना शॉर्ट वीडियो सॉन्ग के साथ यानी गाना के साथ आप कैसे बनाए, आज हम इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप YouTube ओपन कर लीजिए। YouTube ओपन करने के बाद नीचे में देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, जिसमें से आपको होम, शॉर्ट और प्लस का चिन्ह दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद क्रिएट ए शॉर्ट, इस पर आपको देखिए कैमरा स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जैसे ही आप लाल वाले पे आप क्लिक कीजिएगा, आपका शूटिंग होना चालू हो जाएगा। अगर आप गाना सेलेक्ट करना चाहते हैं एड साउंड, आपको उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप गाना लगाना चाहते हैं तो देखिए गाना का भी ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद आप अगर कोई गाना सर्च करना चाहते हैं, जो भी गाना आपका पसंद हो वो आप सर्च कर लीजिए। चलिए हम कोई एक गाना सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद तीर जैसा हरा का चिन्ह है, उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद सिंपली आपको लाल वाले पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा, गाना वीडियो एक साथ शुरू हो जाएगा। चलिए हम लाल वाले पे अब हम क्लिक करते हैं। ये देख रहे हैं गाना और वीडियो एक साथ चालू हो चुका है। पंद्रह सेकेंड का है। जैसे ही गाना 15 सेकेंड हुआ तो ऑटोमेटिक बंद हो गए। उसके बाद अगर आप कुछ इधर लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। जैसे इधर लिखिए, यहाँ से 12 छोटा कर सकते हैं जो आप लिखिएगा। उसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं, देख रहे हैं कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अब कलर चेंज करके डन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक किए, ये देख रहे हैं आप अपना टाइटल जो भी हो टाइटल आप डाल दीजिए। उसके बाद हैशटैग शॉर्ट डाल दीजिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, जब अपलोड कीजिएगा तो पहले आप अनलिस्ट में ही आप अपलोड कीजिएगा। देख रही इधर बहुत सारा ऑप्शन आ गया, पब्लिक का, अनलिस्ट का, प्राइवेट का। आप पहले अनलिस्ट में इसको अनलिस्ट कीजिएगा, बाद में आप पब्लिक कीजिएगा। उसके बाद अपलोड शॉर्ट, इसको आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ये देख रहे हैं मेरा वीडियो अपलोड हो रहा है। वीडियो अपलोड हो रहा है। देख रहे वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है। वीडियो अपलोड होने के बाद आप इधर साइड में देख रहे हैं 3 डॉट, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद एडिट एडवांसेड सेटिंग इन स्टूडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आप और अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आप लिख दीजिए। उसके बाद सिंपली आपको पब्लिक पे क्लिक करके सेव कर देना है, आपका वीडियो पब्लिक हो जाएगा।
आई होप, मैं ऐसा करता आपके वीडियो ये अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।